आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। भिंड जिले की अमायन थाना पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिससे 15 अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़ा गया तस्कर मादक पदार्थों की तस्करी और अपहरण जैसे मामलों में पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस अधीक्षक मनीष कत्री ने कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि अमायन थाना प्रभारी सुनील सिकरवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति खैरोली मोड़ पर खड़ा है, जिसके पास अवैध हथियार है। पुलिस ने मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी। वहां पर गौरई निवासी राम गोपाल उर्फ बिहारी चौहान प्लास्टिक का थैला लिए हुए खड़ा था। पुलिस ने जब थैले की तलाशी ली तो उसमें 4 देसी पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, एक 315 बोर की अधिया, 315 बोर के 7 कट्टे, 12 बोर का एक कट्टा और 14 कारतूस निकले, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी के विरुद्ध पहले से ही अवैध हथियारों से फायरिंग कर दहशत फैलाने, मादक पदार्थों की तस्करी करने और अपहरण जैसे मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपी से हथियारों की तस्करी से जुड़े पूरे नेक्सस को खंगालने में जुटी हुई है और ये पता लगा रही है कि इस खेल में कौन कौन शामिल है। अवैध हथियारों के खरीद फरोख्त के संबंध में जो गैंग कार्य करते हैं उनके विरुद्ध कारगर जानकारी निकालकर अमायन पुलिस द्वारा एक उल्लेखनीय कार्य किया गया है, जिसमें थाना प्रभारी सुनील सिकरवार को सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना पर पुलिस दल ने एक व्यक्ति को खैरोली रोड मोड़ पे इसको पकड़ा है। इसके पास से कुल 4 देशी पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, एक 315 का धा, 7 315 के कट्टे और 12 बोर के एक कट्टा, इस प्रकार कुल 15 हथियार पकड़े हैं और 10 राउंड भी इसके पास से पकड़े गए हैं, जो विधिवत जब्त करके प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उक्त आरोपी थाना रोन अंतर्गत ग्रामीण अंचल का है और इसके अंतर्राज्यीय और कुछ राज्यीय संपर्क ज्ञात हुए हैं, जिनकी विवेचना में जांच की जा रही है और प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।